वेलकम बैक टू माई चैनल दिशुभम। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, कल फाइनली दिल्ली से शामली तक जो इलेक्ट्रिक लोगों का ट्रायल होना था, जो इंस्पेक्शन होना था शैलेंद्र पाठक जी द्वारा, उसको फाइनली मान्यता मिल गई है और जल्द ही दिल्ली से शामली के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ सकेंगी और बाकी का जो आगे का जो हिस्सा है, जो बचा हुआ है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। करीब 7 बजे तक ये इंस्पेक्शन पूरा हुआ और दिल्ली और लखनऊ से भी सीनियर इंस्पेक्शन की टीम आई थी जो कि शैलेंद्र पाठक जी के साथ इस ट्रैक का निरीक्षण कर रही थी जिसका इलेक्ट्रिक लोगों के साथ ट्रायल होना था। और सब कुछ सही रहा है और जल्द ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही दिल्ली से शामली के बीच में जो ट्रेनें चल रही हैं उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा और जो सहारनपुर तक जाती है उनको डीजल के साथ ही चलाया जाएगा, क्योंकि शामली पे जैसे मैंने पहले बताया था कि लोको बदलना मुश्किल है थोड़ा, तो इस वजह से सहारनपुर तक जो ट्रेन चलेंगी वो डीजल के साथ चलेंगी, लेकिन उसको भी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियाँ भी पाई गई जो कि जब शैलेंद्र पाठक जी ने शामली पर रेलवे कर्मियों से थोड़े कुछ सवाल किए तो वो उनका जवाब नहीं दे पाए जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए उस वजह से, बट उसको एक साइड करते हुए उन्होंने सभी चीज़ों की जांच की बराबर और अर्थिंग की और OHV वायर की और ट्रैक से ट्रैक की दूरी की भी सभी चीज़ों की बराबरता से जाँच करते हुए उन्होंने सत्यापन दे दिया है, यानी कि दिल्ली से शामली तक के बीच, या फिर मैं ये कहूँ कि लोनी से शामली तक इलेक्ट्रिक लोगों के साथ ट्रेन को चलाने की मान्यता दे दी है और जल्द ही अब जो ट्रेन जो शामली तक जाने वाली ट्रेनें हैं अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से ये नहीं चल रही हैं, बट जैसे ही ट्रेनें चलेंगी वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ शामली से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेनें चलेंगी। सो यस, दिस इज़ द शॉर्ट अपडेट अबाउट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रायल बिटवीन दिल्ली एंड शामली। So I hope you guys like the video. If you guys like, then don't forget to hit like, share, comment and do subscribe to my channel. And jaise hi aur koi update aati hai, main foran bataunga aapko. Thank you very much guys. Bye.